नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। समय की खबर है जिला संभल से, जहां संभल में सूबे में योगी सरकार में बेटियों की सुरक्षा के लाख बड़े बड़े दावे कर ले, उसके बाद भी हालात जस के तस हैं। ताज़ा मामला यूपी के संभल के सामने आया है, जहां गांव के ही दबंगों ने युवती के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की, जिसके विरोध में बचाने आए उसके भाई पर दबंगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला थाना हयात नगर क्षेत्र के मोती नगर का है, जहां पीड़ित मंजीत का आरोप है कि वह अपने बहन के घर रहकर पढ़ाई करता था कि अचानक गांव के ही कुछ दबंग उसके घर में आया और उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका विरोध उसने किया तो दबंगों ने उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश। मंजीत, क्या बात हुई? मेरे क्या मेरी बहन के पे ना हमला करा उन्होंने, गाली वाली बक रहा है, छेड़खानी कर रहा है, गंदी गंदी है ना। तो हम मैं बोला तो मेरे ऊपर चढ़ गया। इससे पहले पुलिस से शिकायत की नहीं? ना की नहीं, पहले कई बाद में गई, इससे पहले गई थी वहाँ पे। गाँव के लड़के हैं? गाँव के लड़के। गाँव के नाम तुम्हारे? मोती नगर। हाँ सर, थाना हयात नगर का एक मामला है जिसके एक भाई ने कुछ पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया और अपनी बहन से भी बदतमीजी का आरोप लगाया है। सर, क्या पूरा मामला है और क्या इसमें कार्रवाई की गई है? सर, ये मंजीत सिंह है जो नखासा थाना अंतर्गत मिर्ज़ापुर का रहने वाला है, यहाँ अपने बहन बहनोई के यहाँ रहता है। वो कल अपनी बहन के साथ, जैसा कि उसने तहरीर में बताया है, जा रहा था, उसके पड़ोस के ही रहने वाले तीन चार लड़कों से गाली गलौज हुआ, उसके बाद मारपीट हुई, जिसमें इसका आरोप है कि धारदार हथियार से जो है मारा गया है। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत है और कार्रवाई की जा रही है।